फ्रेंड मेरे को ये बनाना है। मैं तो पहले डर जाता हूँ, इतना डिटेल काम है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। तो वेलकम टू माय आर्टिक चैनल। कोई कोई काम पे, डिटेल काम पे भी मज़ा आ जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को दिखाता हूँ इतना अच्छा, इतना डिटेल काम। इसको श्रीनाथ जी बोलते, तो बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले ये ड्राइंग मैंने प्रिंट कर लिया था फ्लेक्स पे और इसमें स्टेंसिल कर लिया, इम्प्रेशन पूरा बना लिया। नहीं तो इतना छोटा डिजाइन में कहीं पे कहाँ पे क्या बनाना है, कंपोजिशन उल्टा पुल्टा हो सकता है, इसीलिए ये स्टेंसिल बना लिया। प्रोपोर्शन ड्राइंग ठीक ठाक हो गया, अभी काम मिट्टी पे करना है। ड्राइंग को फॉलो करके मिट्टी लगाइए, अप्स एंड डाउन्स, कहाँ पे ड्रैपरी है, कहाँ पे फिगर है, कहाँ पे ज्वेलरीज है, तो उस हिसाब से आपको मिट्टी लगाना है। ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन पूरा के पूरा एक पैटर्न में है। देखिए ना, फोलियज है, कल का जो एनिमल है, ये मतलब बर्ड है, ठीक है ना, इसमें फ्लावर है, तो इस मोटिव लेकर पूरा के पूरा कंपोजिशन है, बहुत ही सुंदर है। डरिए मत, मैं भी डर गया था जब इस टाइप का, मतलब आप लोग मेरे को बोलते हैं ना साहब जी ये बनाना है, तो मैं डर जाता हूँ यार, इतना डिटेल है काम। लेकिन कोई बात नहीं, जो मेरा एक दोस्त है जिन्होंने ये ऑर्डर दिया है, 4 पीस ऑर्डर है, 4 अलग अलग साइज का, लेकिन मैं तो ले लिया था, बोल दिया हाँ जी बना देंगे कोई बात नहीं, लेकिन देखा यार ये तो मेरे से नहीं होगा, 1 पीस हो सकता है, 4 पीस बनाऊंगा तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो मैंने रिक्वेस्ट किया साहब जी ऐसा मुश्किल है तो क्या करें, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है इतना, 4 पीस बनाना मेरे से नहीं होगा तो क्या करें, तो बोला 2 पीस बना दीजिए। मैं बोला साहब जी 1 पीस बनाओ, बहुत अच्छा से बनाऊँगा, क्योंकि 1 पीस बनाने में जो खुशी आता है, जो एनर्जी है तो रहता है, लेकिन 2 पीस बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करें। तो सब्जी बोला कोई बात नहीं 1 पीस ही बनाइए, तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन क्या करें, मतलब ऑर्डर लेने के बाद भी मैं काम कंप्लीट नहीं कर पाया, इसलिए सॉरी फ्रेंड। लेकिन 1 पीस जो बना रहा हूँ अभी, ये बहुत अच्छा, मैं दिल से बोल रहा हूँ, जितना अच्छा हो जाए मैं कोशिश करूँगा अच्छा बनाने के लिए, एक एक एलिमेंट को। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, एक एक जो ड्राइंग था इसके ऊपर मिट्टी लगा के उसका मिट्टी को सरफेस को पहले स्मूथ कर लिया, उसके बाद डिटेलिंग में, है ना, जैसे आउटसाइड हो गया, आउटलाइन हो गया, अभी फेस का भी देखिए स्माइल, ये फेस का जो होठों का जो स्टाइल है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो अलग कुछ काम होता है ना, अलग स्टाइल होता है, तो मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि ये पहली बार मैं बना रहा हूँ, तो जब ऑर्डर आता है तो उस टाइम लगता है ये चैलेंजिंग काम है, तो इस हिसाब से काम लेना है और वो काम भी अच्छा रहता है। ऐसा मत सोचिए कि ये पैसा के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ पैसा, देखिए पैसा तो चाहिए कुछ मटेरियल का हो जाए, जो मेहनत कर रहा हूँ खाने पीने के लिए तो पैसा तो चाहिए, लेकिन ऐसा काम है जिसमें आपको अच्छा लगे, तो इस टाइप का काम मिल जाए तो खुशियाँ होता है, और काम में भी इसका जो मेरा दिमाग है, जो एनर्जी है, सब यहाँ पे डाल सकता हूँ, है ना। तो देखिए यहाँ पे डिज़ाइन को भी देखिए ध्यान से, एक 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 पैटर्न को लेकर आपको काम करना है, डेप्थ क्रिएट करना है। ये भी 5 बार मोल्ड होगा, रिप्रोडक्शन होगा, तो उस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है, कहीं पे लॉक ना हो जाए, फ्रीली रिलीज हो सके, तो ये भी देखना है। इसमें छोटा छोटा गोलाई जो है, राउंड टाइप का मोटिव्स है, ये भी मैंने पिछले जो फेस बनाया था, आप लोग देखा नहीं तो एक बार प्लीज जाकर एक बार देख लीजिए, सिर्फ श्रीनाथ जी का फेस है, वहाँ पे 4 अलग अलग साइज में बनाया था, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आई बटन में भी रहेगा, आप लोग जाकर एक बार देखिए क्लिक करके।
और चैनल पे अभी तक जिन्होंने नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, साइड में बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए ताकि इस टाइप का आर्ट रिलेटेड और भी बहुत अच्छा अच्छा वीडियोस मैं लेकर आ रहा हूँ, नोटिफिकेशन आपका पास तुरंत पहुँच जाएगा। और प्लीज़ आर्ट टेक चैनल पर जाकर डायरेक्टली वहाँ पे जितना भी अपलोडेड वीडियोस है प्लीज़ देखिए, मेरे को उम्मीद है आप लोगों को खुशी मिलेगा और इस फील्ड में आने के लिए मैं चाहता हूँ मोस्ट वेलकम। प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे काम को सीखिए, टेक्निक्स को जानिए और इस फील्ड में बहुत अच्छा काम आप कर पाएंगे। देखते रहिए, मेरा साथ में रहिए। थैंक यू।